बिहार के 15 जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम की स्थिति को देखते हुए पटना समेत इन 15 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट घोषित किया गया है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा और राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। इस वजह से अगले 24 घंटों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अलावा पूर्णिया में कोल्ड डे घोषित किया गया है। गौरतलब है कि 2 दिन लगातार अधिकतम तापमान के सामान्य से 4 या इससे अधिक डिग्री तक कम होने की स्थिति में मौसम विभाग की ओर से कोल्ड डे की घोषणा की जाती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से अगले 24 घंटे तक लोगों को कड़ाके की ठंड से बचने की सलाह दी गई है। फारबिसगंज में ठंड की स्थिति को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ ठंड की स्थिति पिछले 24 घंटे में और भी गंभीर हो गई है। बीते दिनों जिले में भारी ठंड की स्थिति बनी रही। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान भागलपुर में 20.5 डिग्री सेल्सियस जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान डेहरी में 5 डिग्री सेल्सियस बना रहा। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में मौसम में आंशिक सुधार होगा, न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार नहीं है। भारी ठंड की स्थिति बनी रहेगी, अधिकतम तापमान में आंशिक सुधार रहेगा। सुबह में पूर्वा हवा का प्रभाव है, राज्य भर में हल्का मध्यम कोहरा रहेगा। सुबह में बादलों के छाए रहने की स्थिति से कई जगहों पर धूप नहीं निकल रही है। लगातार मौसम की ऐसी स्थिति बने रहने से अधिकतम पारा सामान्य से काफी नीचे आ गया है। हालांकि अब पारे के इससे नीचे आने के आसार नहीं है।